आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-35 के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो न्यूज देख रहे हैं, ये बेसिकली एक ओपिनियन पीस है जो US की नेशनल इंटरेस्ट नाम की एक वेबसाइट के ऊपर आया था। अगर डेट की बात की जाए तो ये April 3 को पब्लिश किया गया था, लेकिन इस वेबसाइट को इंडिया में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है और इस वजह से किसी ने भी इसके बारे में बातचीत नहीं की थी। लेकिन कल एक्स के ऊपर एक बड़े हैंडल की तरफ से इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा पब्लिश किया गया था और उसके बाद इंडिया में दोबारा से ये डिबेट शुरू हुई है कि क्या आने वाले समय में भारत F-35 Lightning II खरीद सकता है। इस बार ये डिबेट और ज्यादा स्ट्रांग इस वजह से भी हो गई है क्योंकि स्ट्राइकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर बातचीत चल रही है और क्योंकि भारत में इस कैटेगरी के 2 सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके बाद ये कॉन्वर्जेशन चलना आईब्रोज तो रेस करता ही है। वैसे उस चीज को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक चीजें ऑफिशियल नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लोगों को किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली F-35 वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करें तो मेरा मानना है कि जब तक हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नेशनल इंटरेस्ट के इस आर्टिकल को आप पढ़कर कह सकते हैं कि ये थिन एयर से एक आर्टिकल बनाया गया है, कुछ ओपिनियन है, कुछ बातचीत है और केवल एक डेटा पॉइंट है कि F-35 एरो इंडिया में भारत आया था। इस डेटा पॉइंट को लेकर इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एक वेटरन से बातचीत की और इन्हीं सब चीजों के बेसिस पर यहाँ पर पूरा आर्टिकल बना डाला। देखिए, ये बात सच है कि भारतीय वायुसेना को मीडियम कैटेगरी में 114 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और इस रिक्वायरमेंट के लिए MRFA होने वाला है। वैसे तो MRFA काफी समय से चल रहे हैं और केवल 36 रफाल फाइटर जेट्स को छोड़कर कोई भी प्रोक्योरमेंट वहां पर नहीं हुई है। इस बात को भी हम सभी लोग मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो इंडिजिनस फाइटर जेट्स बनाए जाने हैं वो सारे प्रोग्राम्स अगर टाइम पर हो भी जाते हैं तब भी MRFA की जगह बनी रहती है। और जब बात की जाती है 114 फाइटर जेट की तो कोई भी देश उसमें अपना हिस्सा चाहेगा। ऐसा नहीं है कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर US की तरफ से कोशिश नहीं की गई। उन्होंने पहले F-16, फिर F-18 और फिर F-15 तीनों एयरक्राफ्ट को वहां पर उतारा है और लॉकहीड की तरफ से F-16 में F-35 की टेक्नोलॉजी डालकर F-21 भी प्रपोज किया था। लेकिन जिस तरीके के फाइटर जेट इस कॉम्पिटिशन में मौजूद है वहाँ पर किसी भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट के पास में कोई भी चांस नहीं बनता है। यही कारण है कि लॉकहीड मार्टिन इस चीज में इंटरेस्टेड है कि F-35 भारत को ऑफर किया जाए, लेकिन चीजें वहीं खत्म हो जाती है। लॉकहीड के इंटरेस्ट के अलावा यहाँ पर किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस फाइटर जेट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है और न ही उनकी तरफ से किसी भी तरीके की इंक्वायरी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के समय US एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि अगर भारत S-400 ट्रायम्फ अक्वायर करेगा तो वो लोग F-35 भारत को नहीं बेचेंगे। टर्की को इसी के चलते F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाला जा चुका है। ऐसे में जब तक दोनों देशों के पास में एक सॉलिड रीजन नहीं होगा तब तक भारत में F-35 के चांसेस बहुत कम है। वैसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ये चीज पहले बोली जा चुकी है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से अक्वायर नहीं करेगा और AMCA ही भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो। वैसे अगर भारत F-35 प्रोग्राम में इन्वेस्ट करता है और 114 F-35 अक्वायर करता है तो भारतीय वायुसेना के पास में इतने पैसे नहीं रहेंगे कि वो AMCA प्रोग्राम को परस्यू कर सके। ओवरऑल हम सभी लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर 6 महीने में ये न्यूज निकल कर आती है और इसका कोई सर पैर नहीं होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि F-35 एक शानदार फाइटर जेट है और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके के फाइटर जेट आने वाले समय में भारतीय वायुसेना MRFA में अक्वायर करेगी उनकी भी कॉस्ट लगभग F-35 के बराबर ही होने वाली है। लेकिन बात प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की बिल्कुल भी नहीं है, बात है सस्टेनेंस कॉस्ट की, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट होती है और F-35 की लाइफ साइकिल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि F-35 लाइटनिंग 2 बिल्कुल ही अनअफोर्डेबल है। देखिए, इसराइल और पोलैंड जैसे देश इस फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे हैं और जिस तरीके का डिफेंस बजट भारत का है उस हिसाब से भारत इस फाइटर जेट को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम को साथ में रन करते हुए तब F-35 लाइटनिंग 2 के लिए जाना एक कॉस्टली अफेयर होगा। लेकिन इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये अनअफोर्डेबल नहीं है। साउथ कोरिया लगभग इसी तरीके की चीज कर रहा है, लेकिन कैसे उनके लिए चीजें स्लो हुई हैं ये भी आप सभी ने देखा होगा। हालांकि कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए वो काफी हद तक F-35 के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनके लिए वो चीज पैरामाउंट थी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।